एक तरफ जहां केंद्र सरकार लोगों को स्वरोजगार का बढ़ावा देने के लिए तमाम दावे कर रही है, तो वहीं कोरोना काल में कई उद्योग मंदी और सरकार से राहत ना मिलने के चलते बंदी की कगार पर पहुंच चुके हैं। सरकार की इसी अनदेखी का खामियाजा उद्योगपतियों को नुकसान के रूप में उठाना पड़ रहा है। कोविड-19 से तमाम इंडस्ट्री पर उसका बुरा असर पड़ा है और बहुत सी इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और कोविड-19 के चलते उन्हें जितने भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, टैक्स के हैं, रिबेट हैं, बैंकों की इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है, उसमें सबको उसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो मृत इंडस्ट्री हो चुकी हैं वो दोबारा पुनर्जीवित हो सके। सबसे बड़ी समस्या यहाँ कोविड-19 के चलते इंडस्ट्री चलाने में लेबर की समस्या बहुत दूर है। लेबर, बाहर की लेबर यहाँ नहीं आ पा रही है और इसके चलते इंडस्ट्री अपनी फुल कैपेसिटी से नहीं चल पा रही है, जिससे कि नुकसान, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा बन जाती है और जो खर्चे हैं वो खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट के मुकाबले ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। तो इस हिसाब से इंडस्ट्री को चलाना आज की डेट में हर इंडस्ट्रियल के लिए बहुत ही दुर्भर साबित हो रहा है। बता दें, उत्तराखंड सरकार द्वारा उद्योगों को लगाने के लिए तमाम दावे किए गए थे, लेकिन वह महज कागजी कार्यवाही बनकर रह गए। इन दावों से धरातल पर उद्योगों को किसी भी तरह की राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। यही कारण है वायरस संक्रमण के दौर पर कई उद्योग मंदी के चलते बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इन उद्योगों को सरकार की तरफ से ना तो किसी तरह के टैक्स में छूट मिली है और ना ही किसी अन्य तरह की राहत। उद्योगपति भी उद्योगों को चलाने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। उद्योगपतियों की माने तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उद्योगों को चलाने का निर्देश दिया गया है, जिससे फैक्ट्री में तैयार हो रहा माल ज्यादा कीमत पर बन रहा है। ऐसे में मार्केट में सामान को अचानक से ज्यादा कीमत पर बेचना उनके लिए उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर देता है। काशीपुर से विशाल गर्ग की रिपोर्ट।